हेलो फ्रेंड्स, फूडी स्टॉप में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि बनेगा हरी सब्जियों से। हरी सब्जियां भी ज़्यादा नहीं डालनी, हमने डालनी है पालक और धनिया, इसके साथ बनाएंगे और मूंग दाल और चने की दाल की पीठी के साथ बनाएंगे। ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये किरण भाभी के घर पर ये मैंने चीला खाया था, मेरे को बहुत टेस्टी लगा तो मैंने भाभी को बोला मेरे को समझाओ और मैं इसको बनाना चाहती हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो इन्होंने जैसे मेरे को बताया, आपने मेरे को बताया था कि चने की दाल को और मूंग की दाल को, मूंग की दाल जो खिचड़ी वाली होती है ना, वो वाली इन्होंने मेरे को बोली कि आप रात को भिगो लेना, और मैंने वो भिगो ली और भिगो के ये देखिए पूरी फूल गई थी अच्छी तरीके से, इतनी चाहिए थी ना भाभी, तो ये मैंने कर दी। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पीस भी लिया। पीसते वक्त मैंने इसमें ना भाभी पानी नहीं डाला था, जैसे कि आपने बताया मेरे को गाढ़ा ही चाहिए, तो मैंने वही रखा। अब आप बताइए कि इसको करना क्या है। इसको अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें आप पहले पीठी डालें। ठीक है, ये मैंने पीठी डाल दी, सारी की सारी डाल दूँ? सारी डाल दो। ठीक है, और इसमें अब आप 2 चम्मच दही डाल लो। 2 चम्मच गाढ़ी दही है। ठीक है, ये 2 चम्मच ही है, 2.5 चम्मच तो डाल देते हैं। ये डाल, सब्जी डाल दो। पहले इसको फेटो, फेट लो, एक रूप में फेटा करो। ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने फेट दिया। अब इसमें आप एक हरी मिर्ची डाल दो। ठीक है, हरी मिर्ची अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बेशक अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप इसमें 1 से 2 हरी मिर्ची ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये है हरी पालक, ये हरी पालक मेरे घर की लगी हुई है, भाभी को पता है ऊपर खूब सारी पालक लगी हुई है, तो ये मैंने फ्रेश तोड़ी है एकदम, और धनिया भी फ्रेश तोड़ा है, और ये एक कटोरी धनिया है, एक पूरी कटोरी छोटी सी भरकर धनिया है। अब हम इसको मिक्स कर ले। मिक्स कर लो। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है धनिये की, और पालक की एक अलग सी खुशबू आ रही है। सबसे बड़ी बात है ये घर की है पालक, तो ताजी पालक का फर्क पड़ता है। अब क्या डालेंगे, वो आपने प्याज भी बोला, प्याज भी डाल लीजिए। हाँ, एक प्याज है छोटा सा, वो भी आपको दिल करता है तो आप डाल लीजिए। आप चाहे तो इसमें सब्जियाँ और भी तरह की डाल सकते हैं, सब्जी आप कोई भी मिक्स कर सकते हैं, बारीक कटी होनी चाहिए। अब क्या डालना है, अब हम डालेंगे इसमें एक चाट मसाला, 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच, जो टेबल स्पून से भी छोटा होता है वो आपने 1 चम्मच भर कर चाट मसाला डालना है, और साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, जीरे का पाउडर डालना है भुना हुआ, और स्वाद अनुसार नमक डालिए। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। हाँ जी, अभी हम 1/4 डाल रहे हैं क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है, तो उसमें भी नमक होता है। तो ये हमने सब कुछ भाभी इसमें कर लिया, अब हमने इसमें पानी डालना है कि नहीं डालना? पानी नहीं डालना। तो ये आप देख लीजिए, इसकी थिकनेस देख लीजिए, ये चाहिए हमें, और हमने इसमें पानी नहीं डालना, जैसे कि भाभी बोल रही है हमने पानी नहीं डालना। तो अब हम इसको सेकते हैं नॉनस्टिक पैन, नॉनस्टिक पैन पे सेकेंगे। अब मैंने तवे को भाभी गर्म कर दिया है, आप थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, ब्रश के साथ ऑयल कर लीजिएगा, हल्का भी रहेगा, और इसको थोड़ा सा आप पोंछ ले कपड़े से ताकि ज़्यादा ऑयल ना जाए, है ना, थोड़ा सा इसको बस हल्का सा स्लाइटली सा पोंछ लिया। अब हम इसमें मिक्सचर डालें, डालो थोड़ा सा हला दो, इस तरह से इसको थोड़ा सा पतला करते हुए इसको हिला लेते हैं, कोने पतले रखने हैं ना, तो कोनों को आप पतला रखिएगा इस तरीके से, ये देखिए। और इसको आपने जो सेकना है वो लो टू मीडियम पर सेकना है, बहुत हाई फ्लेम पर भी नहीं करना और बहुत धीमे पे भी नहीं सेकना। तो ये देखिए एकदम पतला सा हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, साइड्स में जरा सा ऑयल कर देते हैं। जो पहले हमने ऑयल को पोंछा था वो इसलिए करा था क्योंकि जब हम फैलाते हैं ना तो वो वापस कड़छी के साथ चिपक कर आ जाता है, इसलिए।
अब हम इसको 2 मिनट के लिए सिकने देते हैं। तो अब भाभी इसको सिकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अभी से आप पलटो। अब हम इसको पलट देते हैं। बहुत आराम से हमने इसको पलट लेना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन। और अब हम इसको बिना दबाए हुए 2 मिनट के लिए, हाँ, एक दो मिनट के लिए इसको हम और सेक लेते हैं और इस पर हल्का सा हम ऑयल कर देते हैं। जब आप प्रॉपर नॉन स्टिक में अगर बनाएंगे तो आपको इतने भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब 2 मिनट और हो गए हैं इसको। हाँ, अब इसको पलट दो, एक बार देखें कैसा बना। ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर भी आया है और ब्राउन जो है अच्छे से सिक गया है। अब हमने कुछ नहीं करना, इसको गैस को धीमे करेंगे और भाभी हम इसको गोल गोल बना लें। गोल बना लें इस तरीके से। बहुत गर्म है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा पालक का चीला जो है तैयार हो गया है। तो एक भाभी हम और बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी ऑयल है इस पर थोड़ा, तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा पतला करते हुए जैसे हमने पहले वाले को करा था इसको फैला लेते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल कर देते हैं साइड से और सेम प्रोसीजर 2 मिनट तक पकने देते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको भी पलट देते हैं। पलटते वक्त आप थोड़ा सा सावधानी से पलटे ताकि टूटे नहीं। और देखिए कितना बढ़िया सिक गया है। अब इसको भी सिकने देते हैं और जरा सा साइड्स में ऑयल कर देते हैं। और भाभी एक बात और भी है, अगर हम इसको जैसे 2 स्लाइस ले ब्रेड के और उसके बीच में इसको रख कर थोड़ा सा नीचे हरी चटनी या सॉस वगैरह डालकर खाना चाहें तो बहुत हेल्दी हो जाएगा। और कोशिश करिएगा ब्राउन ब्रेड के साथ आप लोग इसको इंजॉय करें ब्रेकफास्ट को। अब हम इसको एक बार पलट लेते हैं दोबारा से। 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए बढ़िया सा हो गया। इस पर चाहें तो आप जरा सा, वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर जरा सा आप इस पर ब्रश के साथ जब हम ऑयल करते हैं ना तो ऑयल ना के बराबर लगता है। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर परांठी पर या पूड़ा बनाना हो, चीला बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, मैं ब्रश के साथ ऑयल करती हूँ। ये भी हो गया है, इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। भाभी आप फोल्ड करो। तो इस तरीके से हमने दोनों चीलों को रोल कर लिया है। अब हम इस पर चटनी लगा सकते हैं इस तरीके से। खोलो, हाँ जी खोलो, इसको ऊपर से खोलो। ये देखो इस तरीके से हम बीच में इसमें ये वाली सॉस, केचप और साथ में ही हरी चटनी, ये देखिए इसको जब चीले को खाएंगे ना बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बढ़िया सा जो हमारा चीला है उसका मूंग दाल का और पालक का तैयार हो गया है। और भाभी की ये जो डिश है आप जब बनाएंगे इस ब्रेकफास्ट को बहुत हेल्दी है क्योंकि मूंग दाल के उससे दाल से बना हुआ है, चने की दाल है की दाल से। और पालक और साथ में धनिया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप लोग बनाकर देखिएगा, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। हाँ जी, और बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है, आपने देखा झटपट बन जाता है सिर्फ दाल। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर आपको दाल की पीठी लगता है कि मतलब रात को भिगो ये करो वो करो, अगर आपको ये नाश्ता अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि आप इसको दूसरे दिन भी खाना चाहते हो, तो पीठी को एक एयरटाइट कंटेनर में आप 10 से 15 दिन के लिए बना के रख सकते हो। जितनी चाहिए निकाली और बना लिया, बहुत ही अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।